मेरा दोस्त था करीबन 1 साल और 3 दिन तक। मैं करत जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल करत जाखड़ व्लॉग्स पर। और आज एक बहुत ही दुख भरी खबर है। मेरा प्रिय मित्र, पार्टनर क्राइम कह दो या जिसको मेरे सारे राज पता है जो किसी को नहीं पता, वो अब हम लोगों के बीच में नहीं रहा। वो मेरा दोस्त था करीबन 1 साल और 3 दिन तक। आई जस्ट लॉस्ट हिम। यादें थी उसके साथ बहुत सारी जुड़ी हुई और अभी मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। ही वॉज एन अमेजिंग फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर। आई एम जस्ट किडिंग, आई जस्ट मैं अपना मेरा फोन गुम गया और कुछ नहीं। बहुत ही अच्छा फ़ोन था मेरा, वीवो का V15 Pro। और मैं मेरे जितने भी वीडियोस बनाता था व्लॉगिंग वाले, एक्सेप्ट द मोटो व्लॉगिंग वन, मैं उसी से शूट करता था उसके फ्रंट कैमरा से। वो फ़ोन इतना अच्छा था कि मैं कहीं भी जाता था, पीपल वर लाइक, भाई तेरा फ़ोन दे, तेरे फ़ोन से ज़्यादा अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। और उसमें मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ पड़ी थी, ट्रिप्स के सारे फ़ोटोज़ पड़े थे उसके अंदर। और जितने मैंने व्लॉग करे थे पुणे के बाद से, वो भी उसके अंदर ही थे। मैंने एक्चुअली डेटा ट्रांसफ़र नहीं करा था उस समय। मैंने सोचा कौन लैपटॉप अंदर से निकाले, फिर टिक्स अ टाइम, मैंने उसका डेटा ट्रांसफ़र नहीं किया था उस समय। सो पुणे टू बेंगलोर वाला जितना भी व्लॉगिंग का था वो सब उसके अंदर ही था, और वो सब गुम गया। और मेरी फ़ोटोज़ भी जितनी थी, कुछ तो मैंने अपलोड कर दी थी सोशल मीडियाज़ पे, बट कुछ बहुत अच्छी फ़ोटोज़ थी वो अपलोड करनी थी, मगर फ़ोन रहा नहीं एंड बहुत सारा डेटा लॉस्ट हो गया उसके साथ। बट फ़ोन वॉज़ वेरी गुड एंड करेंटली आई एम वेटिंग फॉर इट्स लेटेस्ट वर्जन टू लॉन्च, वीवो V19। वो लॉन्च होगा तो मैं वीवो ही लूँगा वापस से, बिकॉज वीवो का फ़ोन मुझे कम बजट के अंदर बहुत सही लगा। और कैमरा वाइज तो बॉस मज़ा आ गया। आई वी कूडेंट कम्पेयर दैट टू DSLR और आईफोन। अब आईफोन से कंपेयर करना चाहिए तो आईफोन की रेट कहाँ और कहाँ उसकी रेट, बट जिस प्राइस रेंज में था बहुत अच्छा था। इट वॉज अमेजिंग, आई लव्ड इट। और अभी मैं सोच रहा था कि V17 ले लूँ। मेरा जो फ्रेंड है वीवो के अंदर ही, उसने बोला कि भैया V19 आ रहा है तो आप V17 पे मत जाइए, अब V19 लीजिए कि लेटेस्ट आने वाला जस्ट 10-15 डेज में लॉन्च होगा। तो जैसे वो लॉन्च होता है वो मैं लूंगा फोन, फिलहाल तो यही प्लान है। तो आई लॉस्ट माई फोन ऑन 8th of March जब मैं बेलगांव टू बेंगलोर जा रहा था। राइड का इतना एक्साइटमेंट था मुर्तजा सुनील सर से मिलने के लिए। बनकापुर के वहाँ रुका था, नारियल पानी वगैरह पिया था, कुछ फोटोज लिए थे। उसके बाद मैंने अपनी पॉकेट में रखा था जैकेट की और सिप करना भूल गया। और मैं इतना एक्साइटमेंट था कि मुझे याद ही नहीं रहा, मैं 30 किलोमीटर तक आगे तक चला गया तब मुझे याद आया कि मेरा फोन गुम चुका है। मैं वापस 30 किलोमीटर पीछे गया, वापस आया, मगर फ़ोन कहीं मिला नहीं। फिर उसके बाद थैंकफुली मेरे पास एक बैकअप फ़ोन था। आई विल से कि अगर आप राइड कर रहे हो या अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कभी भी, तो ऑलवेज हैव अ बैकअप फ़ोन। मेरे पास एक बैकअप फ़ोन था जिसको मैं मैप के लिए यूज़ कर रहा था, इसमें भी एक सिम डाली हुई थी मैंने एक्स्ट्रा, तो लकीली ये मेरे पास था, अपना काम निकल गया। उसके बाद मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था कि जो मेन जो सिम थी वो उसके अंदर थी, प्राइमरी फ़ोन वो था मेरा। तो उसके बाद ना तो मेरे को सोशल मीडिया अपडेट कर पाया मैं। फिर मैं 8th को शाम को मैं पहुंच गया था ऑटो मोटरसाइकिल, तब फिर चुनेत भाई से वहाँ बात हुई। उनसे बात तो बोले कि मैं तुम्हारे अपडेट्स देख रहा था, तो तुम्हारा कोई अपडेट नहीं आया उसके बाद, तो मुझे लगा तुम आ नहीं रहे हो आज, तो इसलिए वो वहाँ पे थे नहीं। फिर उन्होंने बोला कि मंडे को आना, फिर हम मंडे को मिले थे शाम को, और उनसे मिल के इतना मज़ा आया ना, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि अ पर्सन हुम आई डोंट नो, इट वॉज रियली अमेजिंग। उन्होंने मेरे इतने डाउट्स क्लियर करे राइड के बारे में, बाइक्स के बारे में, मज़ा आ गया। और फिर उन्होंने मुझे रूट्स बताए बहुत सारे कि अगर इफ़ यू वॉन्ट टू राइड दीज रूट्स देन यू कैन राइड
आप ये रूट ऐसे राइड कर सकते हो, तो आपको राइड का मजा आएगा और आप इतनी इतनी चीज़ें कवर करोगे, इट विल बी इंटरेस्ट। फिर मैंने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी उन्हें गैराज में कुछ टूरिंग मॉडिफिकेशन के लिए। मैंने अभी अपनी टिकट बुक कराई 8 अप्रैल की बैंगलोर। देखते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से क्या होता है, क्योंकि अभी 31 मार्च तक तो ज़्यादातर सब चीज़ें पब्लिक गैदरिंग वगैरह, और यहाँ राजस्थान के अंदर तो स्कूल्स कॉलेजेस मॉल्स सिनेमास ये सब भी बंद कर दिए गए। क्या अप्रैल का पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल तो ये प्लान है कि 8 अप्रैल को बैंगलोर जाना है बाइक लेने के लिए, एंड आई एम रियली एगरली वेटिंग टू सी माई बाइक कैसी बनती है वो, क्योंकि भाई जब बाइक इस पैराडाइज में कुछ चीज़ बनती है तो सॉलिड बनती है। आई एम जस्ट वेटिंग। 10th को मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट थी बैंगलोर से जोधपुर, जोधपुर में 11 बजे आ गया, और उसके बाद भाई जो मैं सोया हूँ ना पूछो मत, मैं बस घर आया खाना खाया सो गया। रात को मेरी मॉम ने उठाया डिनर के लिए, डिनर किया वापस सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 AM में उठा वापस से, हमने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी देर बैठा टीवी वगैरह देखी, वापस हो गया। मतलब जब से मैं आया हूँ ना जोधपुर तब से मैं सिर्फ नींद ले रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, दबा के सो रहा हूँ। तो आज जाके मुझे लगा कि अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है। सो नाउ आई विल स्टार्ट एडिटिंग माई ब्लॉग्स, क्योंकि राइड करते हुए मैं बीमार भी हो गया था, तो उस वजह से भी बॉडी बहुत थकी हुई थी, और यहाँ आया तो थोड़ा छोटा मोटा जुकाम हो गया, तो उस वजह से टैबलेट्स वगैरह लेता था, तो उससे भी नींद बहुत आती थी। तो नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। अब मैं अपनी वीडियोज़ एडिट करूँगा और मैं धीरे धीरे उनको डालूंगा। बाकी एक और एक्साइटिंग राइड आने वाली है। राइड का रूट क्या अभी तक डिसाइड नहीं किया है, बट व्हीकल इज डिसाइडेड, इट्स अ नॉन गियर व्हीकल यूज़ करूँगा मैं, गियर वाला नहीं। कौन सा नॉन गियर व्हीकल यूज़ करता हूँ उसके लिए वेट करिए आप, तो अगर सब आज बता दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना आगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, एंड कमेंट डाउन बिलो मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं मैं क्या चीज़ कवर करूँ आपके लिए राइड्स वगैरह के अंदर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर दोज प्लेसेस। शेयर माई चैनल अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टेल देम टू सब्सक्राइब, और आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगा हमें और कुछ नया करने के लिए। इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद।